सिंपल साइकिलिंग, फर्स्ट एक्सरसाइज। बॉडी में किसी भी तरह का कभी भी कोई भी पेन हो उसके लिए, और जब भी आपको लगे कि पेट की चर्बी बढ़ती जा रही है, सिंपल 5 एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सिंपल साइकिलिंग। इसके रैप्स आप अपने हिसाब से करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज इसी में रेनबो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वेरी गुड। तो इसमें हमने राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, कितने रैप्स ये आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज हमने राइट टू लेफ्ट टू राइट, फिर से 20 सेकंड का रेस्ट, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, गहरा सांस। तीसरी एक्सरसाइज वी अप्स, अपर एप्स और लोअर एप्स दोनों के लिए, एक पैर को उठा के 1 2, अगर ये पैर मुड़ता है तो मुड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सीधा हो जाएगा, क्योंकि अभी लेटने वाली एक्सरसाइज से लेटते लेटते बॉडी फ्लेक्सिबल होगी हमारी। 3 4। गुड इवनिंग अंतुस लाइव मेंबर्स, मैम क्या है आज स्पेशल हमारी लाइव एक्सरसाइजेस में? मेन मुद्दा बैली, जो बैल शब्द सुनने में भी नहीं अच्छा लगता, बैली शब्द सुनने में भी नहीं अच्छा लगता, तो बार बार हम अपने मेंबर्स को वही बता रहे हैं कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा पेट का साइज ऐसे स्क्वीज कर लीजिए, श्रिंक उसे कहते हैं, स्टमक फैट को श्रिंक करने वाली एक्सरसाइज। तो हमने उनमें 3 एक्सरसाइज बता दिए, रुक जाओ भी, रात को सोने से पहले कर लिया तो अमेजिंग इफेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि जितनी कैलोरीज हम लेके सोए हैं पेट में वो सब बर्न कर गए, और पेट को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो जब उसको रात को नहीं खाने को मिलेगा तो किसको खाएगा? जमे हुए चर्बी को फैट्स को, अपने आप निकाल देगा। ओम गुरुवे नमः। सीमा जी, लक्ष्य जी, अभिपाल जी, तो फिर से देख लें, फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंपल साइकिलिंग, हाथों को चलाते हुए। कोई भी बढ़िया सा बॉलीवुड म्यूजिक निकालकर आप 2 सॉन्ग्स पे कर लीजिए ये 5 एक्सरसाइज, तो मैं बता रही हूँ, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली निकलती है, निकलने देना। सेकंड एक्सरसाइज इसी में साइड बाय साइड रेनबो साइकिलिंग, इसमें हमारे बेली फैट के जो साइड की चर्बी होती है, साइड बेली फैट हो जाएगा, फिर ये चलाते चलाते पैर थक जाते हैं, फिर हम नीचे कर लेंगे डाउन, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस को बाहर निकालते, 1 V ups, इसे बोलते हैं वी अप्स, 2 3 4 ओम साई राम तृप्ति जी। 6। मैम एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे मेरे जैसे कुछ नटखट बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी दिन से एक्सरसाइज नहीं की, फिर अब उन्हें लग रहा है कि जैसे होता है ना, डिमोटिवेट भी हो जाता है इंसान कि अब तो फैट भी बढ़ रहा है, तो जो लोग शुरू नहीं कर पाते या हिचकिचाते हैं, आनाकानी करते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है मैम? गाइडेंस ऐसा है कि जो हमारी जर्नी है वो शरीर से स्टार्ट होगी, लेकिन हैवी एक्सरसाइज ना करके बहुत ही लाइट 2 एक्सरसाइज, जिससे आपका मन बनेगा, लेटे लेटे और जबरदस्त इन 2 एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना, दोनों हंसी देकर, कुछ नहीं करना, सिंपल योग में पहली है चीज ताड़ासन, बस लेटे जिससे लेटे। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होगी। माइंड तब डरता है जब उसे लगता है कि हैवी एक्सरसाइज करनी है, उसी तरह मत, सिंपल एक्सरसाइज ताड़ासन में क्या है, कुछ भी नहीं, पंजे नीचे खींचो और पेट को अंदर खींचो, बस। उसके बाद क्या करना है, ये तीनों एक्सरसाइज कनेक्टेड है, तो जिनका मन बहुत ज्यादा नहीं बनता, सिंपल ताड़ासन, फिर एक साइड में यू की शेप, 1 2 3 4 एंड 5, बस ये चीज नहीं उठेगी, इस एक्सरसाइज का जबरदस्त इफेक्ट। वाह मैम, ये तो साइड फैट के लिए भी अच्छी लग रही है, फुल बॉडी भी स्ट्रेच हो रही है इसमें तो। सिर्फ 3 दिन एक्सपीरियंस करने में लगेंगे, उसके बाद आप देखोगे अमेजिंग, माइंड अपने आप तैयार हो जाएगा। लेकिन तुम कोई बहुत, ये जो पहले वाली हमने 3 एक्सरसाइज बताई वो हैवी है, बिगनर्स को वो नहीं करनी, जब आपका स्पेशली एक्सरसाइज करने से गैप आ गैप गया आ गया वो। हाँ जी मैम, दूसरी तरफ से, क्योंकि हम क्या करते हैं, ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं एक ही दिन आके वो नहीं बन और पाएगा। फिर आते नहीं। अभी देखो इसमें क्या दिक्कत है,
चाहे आपके घुटने में दर्द है, चाहे आपकी कमर में दर्द है, सबके लिए सेफ है। फिर दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनको क्या लगता है, एक्सरसाइज करना इजी है या डिफिकल्ट, और क्या वो रोज सुबह ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं? प्लीज हमें चैट में बताइए। बिल्कुल सिंपल, इसी में तीसरी एक्सरसाइज, बॉडी बिल्कुल सीधी कर दो, लाइक वृक्षासन, दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर लेवल में, ये देखिए वन, फिर वापस टू, थोड़ा पैर में गैप करके, हाँ टू, थैंक यू लक्ष्य जी। वापस सर्वक जी, जो पहले तीन एक्सरसाइजेस करवाई थी वो सब लोअर बेली पे ही फोकस थी? बिल्कुल फोकस थी, लेकिन वो एडवांस है, वो बिगनर्स के लिए नहीं है। हाँ ये तो जो कंटिन्यू है हमारे साथ उनके लिए है, ये बिगनर्स के लिए है, ये जो तीन मैं बता रही, तीन इसी में से जब तीन की प्रैक्टिस हो जाए नेक्स्ट थ्री इंटरमीडिएट लेवल वो बता रही, ठीक है? ये याद हो गई थी? यस मैम। पहली एक्सरसाइज कौन सी थी? ताड़ासन। करके दिखाओ एक बार फिर से, पहली एक्सरसाइज थी ताड़ासन, ठीक है? इसमें एक बार सांस भर के 10-10 सेकंड होल्ड करना है, इसमें आंतरिक कुंभक का भी फायदा मिलेगा। एक बार सांस को अंदर करके होल्ड करना है, एक बार सांस को बाहर निकाल, फिर पेट की गति देख रही हो जो ऊपर नीचे हो रही है, बेसिकली इनसे आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। पड़े पड़े जो कैलोरीज बर्न नहीं होती वो भी बर्न होंगी सिर्फ और पेट की एक्सरसाइज से। तो पहली हो गई ताड़ासन, दूसरी हो गई हमारी साइड की शेप बनानी। पुरानी से पुराना कमर दर्द है तो भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, और खास तौर से 50+ में जब हमारा कमर का साइज बढ़ता है, बेली फैट बढ़ता है, तो कमर में दर्द कभी भी अचानक से भी हो सकता है। कोई दर्द कह के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं, आओ इधर, ठीक है? ये तो हो गई दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज वन, वापस टू, वापस थ्री, वापस। ओम गुरुवे नमः। आशा जी, भूपेंद्र जी, ये इसका एडवांस है। फिर दोबारा दोनों को एक साथ वन, ये देख रहे हो, टू, क्या बात है, थ्री। अब ये तीन में थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल, उन्हीं तीन में से आगे, फिर इसमें बटरफ्लाई पुशअप्स, पैर मोड़ो, ए वन, ये देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग, वाओ ब्यूटीफुल, क्या बात है। ये तो एक ही एक्सरसाइज थाइस से लेकर अपर बॉडी तक सारा फैट मेल्ट कर सकती क्या है, बात है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन वो सब से रिक्वेस्ट है कि अपनी क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। अगर आप बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं तो वो तीन एक्सरसाइज पे ही रही है। नहीं पैर ऐसे रखो, इसका लास्ट अभी नौवीं एक्सरसाइज बताऊंगी, एक्स क्रंच, अभी रुक जाओ, सांस ले लो पहले। इसमें एक हाथ चेस्ट के ऊपर, एक हाथ पेट के ऊपर, हाँ गहरा सांस लो, छाती पेट दोनों फूले, सांस बाहर, दोनों चीज अंदर। अभिपाल जी आपका वेट काफी ज्यादा है तो रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट एक या दो मंथ्स क्लासेस ज्वाइन करें ताकि मैम आपको बता सके कि कैसे धीरे धीरे वेट कम करना है बिना अपनी बॉडी को डैमेज किए या ओवर स्ट्रेचिंग किए। अनिला जी गुड आफ्टरनून। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ सिर के नीचे और हल्का सा अपर बॉडी को उठाना है, बस है ना, उठ गई। अब एक हाथ को ऐसे अपोजिट घुटने को टच करते, वन टू, एक्स क्रंच, थ्री। कई लोगों के पैर जुड़े हुए, पैर को ऐसे ओपन करके, हाँ ओपन कीजिए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन से ज्यादा नहीं, एब्स में पेन हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि कोई कुछ हो गया, लस चढ़ गई है। एक बार में 10 से ज्यादा नहीं करेंगे। और लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज, 10वीं एक्सरसाइज चल रही है अभी इंटरमीडिएट लेवल के बाद, क्रॉस क्रंचेस। पहले मैं कमर दर्द वालों के लिए बता दूं, फास्ट वाले बाद में बताऊंगी, पैर मोड़ो नीचे रखो, आराम आराम से सांस को बाहर निकालते, अपोजिट कोने को टच करो, यहाँ वन, बस पैर को नीचे रखो, ये बिगनर्स के लिए है, जो गैप के बाद वर्कआउट शुरू कर। बिल्कुल मैम।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, रुक जाओगी। राम राम कनिका जी अट्रैक्शंस, फिर उसके बाद दोनों पैरों को हवा में उठा दो और वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड थर्टी सिक्स सेवन एट नाइन फोर्टी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड फिफ्टी। ये हो गई हमारी टेन एक्सरसाइज, इससे ज्यादा इनको ओवर ईटिंग हो जाएगी, एक्सरसाइज भी वो इसलिए नहीं दे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन था 10 एक्सरसाइजेस का, जिसमें बिगनर्स के लिए, मीडियम लेवल के लिए और एडवांस्ड तीनों के हिसाब से एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, जो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अंतस योग में इस बार हम एक स्पेशल चीज करने वाले हैं। अगर आपको ये जानना है कि करवा चौथ पे क्या खाएं, या दिवाली से, फेस्टिवल से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आपने अपने क्वेश्चंस हमारे टीम कोऑर्डिनेटर्स को भेजिए, हमें मैसेज कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे उनके जवाब देने की। ये ज़ूम वालों के लिए भी है क्या? यस मैम, ये सबके लिए है, आप बता सकते हैं। तो अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे बैच टाइमिंग्स हैं 6:15 AM, 7:30 AM, 11 AM एंड 4:30 PM। प्लस वी ऑल्सो ऑफर डाइट कंसल्टेशन। तो हमें मैसेज कीजिए ऑन 7827718802। ये देखिए, आपको लगता है कि फेस्टिवल्स में एक्सरसाइज नहीं हो सकती, तो देखिए कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बिजी लाइफ में से अपने आप के लिए टाइम निकाल रहे हैं। हमने ये चीज़ पहले भी कही थी, दोबारा कहेंगे कि घर की सफाई से ज्यादा जरूरी है अपने शरीर की सफाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। घर तो सफाई रखनी रखनी है, लेकिन सबसे बड़ा घर परमात्मा ने ये जो शरीर के घर गया, अगर ये घर गंदा हो गया तो बाहर की सफाई की कोई कीमत कोई कीमत नहीं। दोनों की साथ साथ चलेगी, भाई मुक्ता भी अंतर मुक्ता है। बिल्कुल, देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अंतस योग। हाँ, जिन्होंने पूछा है नाक से लेना है।